तो ये मास्क नहीं लगा, दिमाग घूमेगा मैं मोबाइल फेंक देगा, समझा क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएनआर न्यूज में। ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा, बहुत ही वायरल हुआ ये वीडियो। एक ट्रैफिक पुलिस को अपमानित करने वाला ये वीडियो पूरे इंडिया में वायरल हुआ है। तो ये मास्क नहीं लगा, दिमाग घूमेगा मैं मोबाइल फेंक देगा, समझा क्या? क्या करने का करो, यार मोबाइल से बोल रहा है, मतलब समझ जाने का, क्या करने का करो भाई। तुम्हारा ड्यूटी ये नहीं है, तुम्हारा ड्यूटी पूरे रस्ते में घुमा गया तुम, तुम पूरा रस्ते में घुमा गया, फाइन ले रहे, पूरा फाइन ले रहे, फाइन नहीं लिया तुम, क्यों नहीं बोलता तुमको? अरे पूरा मेरे रिकॉर्ड है मेरा, ब्लैक टिंटेड कार जाएगा, तुम्हारा गांड फट जाता है। अरे भाई फोटो निकाल सकता है, तुम्हारे में ताकत है क्या? है ना ताकत, है ना? कोई पॉलिटिशियन रहेगा उसका फोटो निकाल सकता है, तुम्हारे में ताकत है क्या? है ना ताकत, है ना? है ना ताकत, है ना भाई? घंटा ताकत है तुम्हारे में, है ताकत, है ना? गांड फट के हो जाता है तुम्हारा, ताकत है ना भाई? अरे फोटो खड़ी होने हो रहे हो, अगर मतलब माना सत्य वट्टो है, और मेरे को क्या बोलता है, नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगाएगा, मैं तुम्हारी गांड में नहीं लगा सकता तुम, नहीं फोटो निकाल ही नहीं सकता तुम, फोटो निकाल नहीं सकता जब तक तुम यहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगाता है, तुम नहीं निकाल सकता फोटो। मैं तुमको लॉ मैं बताऊँ क्या, क्या तुम आ जाएगा मेरे को लॉ? बात करता है, झगड़ा किया नो पार्किंग, अरे लोग क्या करेगा, वर्दी पहन लिया मतलब क्या भाई हो गया तुम, बहुत बड़ा तुम गवर्नमेंट का सर्वेंट है, तुम काय का सर्वेंट है करो गवर्नमेंट का, तुम्हारे लिए अच्छा तो भंगी लोगे, भीख मांग के तो साला साथ है, इन लोग को हाथ में दे दिया तो फोटो निकाल के बैठने का भाई, मास्क लगाओ ना, मास्क लगाओ ना भाई, मास्क लगाओ ना, नहीं लगाएगा मास्क। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए और उस पर ऑल बटन दबा दीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। हाँ, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और इस वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि इस शख्स के ऊपर कड़क से कड़क कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। मुलुंड वेस्ट भाजी मार्केट में पीक आवर्स में सुबह शाम बहुत ही भीड़ रहती है, जिसके चलते मुलुंड भाजी मार्केट में गाड़ी पार्किंग करना अलाउड नहीं है, नो पार्किंग जोन है, फिर भी कई लोग भाजी लेने को आते हैं, फल फ्रूट लेने को आते हैं और अपनी गाड़ियों पे आते हैं, कोई बाइक पे आता है, एक्टिवा पे आता है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं और कहीं भी पार्क करके चले जाते हैं और कई घंटे ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसके चलते मुलुंड भाजी मार्केट में सख्त कानून है नो पार्किंग। जो भी गाड़ी खड़ी रहोगी या दुकानदार की होगी या पब्लिक की होगी उसको फाइन लगाई जाएगी, ये कानून मुलुंड का है। 15 अप्रैल 2021 दोपहर को 12:30 बजे ट्रैफिक पुलिस आरआरटी रोड पे अपनी कार्रवाई करते करते हस्तकला साड़ी सेंटर तक पहुंची। हस्तकला साड़ी सेंटर आप देख सकते हैं, हस्तकला साड़ी सेंटर के आगे भाजी वाले बैठे हैं, उसके आगे ये ब्राउन कलर की एक्टिवा खड़ी है। इस ब्राउन कलर की एक्टिवा का जैसे ही ट्रैफिक पुलिस ने फोटो निकाल के उसको फाइन लगाया, वैसे ही तुरंत उसका SMS उस एक्टिवा के ओनर को आया, जो हस्तकला साड़ी सेंटर का ओनर है जतिन प्रेमजी 17। जैसे ही ट्रैफिक का फाइन का मैसेज आया, जतिन 17 दुकान के बाहर आया और ट्रैफिक पुलिस से उलझने लगा। कोरोना के चलते लिमिटेड दुकानें खोलनी है, जीवन जरूरत वस्तु की दुकानें ही खुली रखनी है, यह सरकार का आदेश होने के बावजूद साड़ी की दुकान को परमिशन ना होते हुए जतिन 17 दुकान पे आया, दुकान आधा शटर खोल के बैठा है और ट्रैफिक पुलिस का ये उसको फाइन लगाना। जतिन 17 आपको वीडियो में दिख रहा है किस तरह ट्रैफिक पुलिस को गाली गलौज कर रहा है, गाली गलौज करते हुए उसने एक समाज का भी
बहुत बड़ा अपमान कर दिया। सर्वेंट तुम क्या क्या सर्वेंट है करो गवर्नमेंट का, तुम्हारे लिए अच्छा तो भंगी लोगे। हाँ नमस्ते, मेरा नाम किरण भाई वाघेला है, रुखी सेवा समाज जनरल महापंचायत मुंबई का प्रमुख हूँ। आज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के दिन आरआरटी रोड मुलुंड पे एक व्यापारी ने पुलिस वाले के साथ तो बहुत बुरी तरह से ही बातचीत किया, लेकिन उसको अपमानित करने के साथ साथ उसने हमारे समाज के एक जो भूला बिसरा नाम है, जो एक्चुअली एट्रोसिटी अंतर्गत वो गुना जिसको बोलते हैं वैसा भ शब्द का उसने प्रयोग किया, तो हम सभी भाई आज उसके खिलाफ में जो धर्मात्मा फाउंडेशन वाले विनीत भाई जगताप ने सहकार दिया, सपोर्ट करा, और उसके बाद हम यहाँ पर आए रात को 11 बजे मैं ड्यूटी करके, और 11 बजे के बाद में मैंने उनके ऊपर FIR दर्ज कराई, और अल्ट्रा सिटी एक्ट के तहत मैंने रिक्वेस्ट करी मैडम से कि मैडम इसने जो हमारे भावनाओं को दुख पहुँचाया है ये जतिन भाई जत्रा ने, तो वो गलत है। हमारे समाज के लोग इस तरह से किसी के पास भीख मांगने नहीं जाते हैं, और आपको इसके ऊपर अल्ट्रा सिटी एक्ट के तहत गुनाह दाखिल करना होगा। और हमारी रिक्वेस्ट है हमारे पूरे समाज की, रुकी समाज, महार समाज, और जितने भी हमारे यहाँ करके SC शेड्यूल कास्ट के मुलुंड कास्ट के समाज हैं उनका हमको सहकार मिला, उसके लिए मैं इन सबका धन्यवाद है। और उन्होंने सबने एक रिक्वेस्ट दाखिल करी है कि इस बंदे के ऊपर अल्ट्रा सिटी एक्ट के तहत गुना दाखिल होना चाहिए, बस यही मैं चाहता हूँ कि उस बंदे को गुना दाखिल कर दिया है। FIR लॉन्च हो गई, अभी FIR कॉपी मिली नहीं है, वो सब हो जाएगा, मिलेगी, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है मीडिया वालों से कि इस तरह की भाषा, अभद्र भाषा का, ये तो छोटा आदमी लेकिन इससे भी बहुत से लोग जो बड़े बड़े सोशल वर्कर हैं या नेता लोग हैं और ये फिल्म स्टार लोग हैं जो हमेशा अभद्र व्यवहार में भाषा करते हैं। पहले भी आपने सुना होगा कि शिल्पा शेट्टी ने भी अभद्र भाषा करी थी, सलमान खान ने अभद्र भाषा करी थी, उसके खिलाफ भी हम लोग ने इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा था, लेकिन अभी हमने खुद आकर के मैंने अकेले ने अपने नाम पर ही FIR दर्ज करवाई है कि मैं भी मुंबई समाज का अखिल भारतीय वाल्मीकि नगर संघ का कार्याध्यक्ष हूँ, और इसके ऊपर अक्षर सिटी एक्ट लगना चाहिए। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है मैडम से और पुलिस व्यवहार से कि इसके इस तरह की भाषा का कोई दूसरा प्रयोग ना करे। बस जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय वाल्मीकि। जतिन सत्रा को दुकान से पकड़ के पुलिस स्टेशन लाया गया और लॉकअप में डाल दिया। पुलिस को अपमानित करने का ये पहला वीडियो नहीं है, इसके पहले भी कई लोगों ने पुलिस का अपमान किया है। एक 200 रुपये की फाइन के लिए इस बंदे ने इतना बड़ा चीज़ कर दिया, जो लॉकअप में जाने के बाद उसको पछतावा हो रहा है। लॉकअप में पहुंचने के बाद वो लड़का माफ़ी का वीडियो बना के वायरल कर रहा है। माफ़ी का वीडियो वायरल करने से कुछ नहीं होगा, उसने जो कहना था कह दिया। वो कहते हैं ना कि कमान से छुटा हुआ बाण वापस नहीं आता, मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं लिए जाते। जतिन सत्रा के ऊपर कड़क कार्रवाई हो रही है। मैं जतिन प्रेमजी सत्रा, मुलुंड का रहवासी। आज जो घटना बनी मुलुंड आरआरटी रोड पे, मैंने पुलिस के ट्रैफिक सर के साथ जो आज बदसलूकी की उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और जो पुलिस, मुंबई पुलिस आज जो फ्रंट लाइन में काम कर रही है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और जो भी सर को जितना भी, अगर आपको मुलुंड भाजी मार्केट में एक्टिवा, बाइक, कार लेके आना है तो फाइन से कैसे बचे, कहां पार्क करें, अगले वीडियो में देखिए।